सांप देखा है क्या? नहीं माँ जी, सांप नहीं। देखिए, चेहरे को क्या हो गया? कैसे और क्यों हो रहा है ये तू जानती है, तभी तू चुप क्यों बैठी है? तुझे क्या कुछ समझ में नहीं आता? मानो मैं सब समझती हूँ, लेकिन सोच समझ कर ही चुप। लेकिन क्यों? नहीं, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। कब? जब तेरी शक्ल देखने लायक की नहीं रह जाएगी तब बताएगी। तुझे क्या अपनी फिक्र नहीं है क्या? इसे कहाँ अपनी फिक्र है बेटी, रात दिन काम करती रहती है। देखो ना अपनी क्या हालत बनाई उसने, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी। आपको भी चिंता होने लग गई इसकी? क्या मतलब? मुझे अपनी बहू की चिंता भी नहीं होगी? हाँ हाँ, वो तो देखी रहा है कितनी चिंता होती है आपको। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता? आज प्रीति के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है और हम ये जानते हैं। बहुत हो गया, तुम मेरी फ्रेंड हो, उसका ये मतलब नहीं तुम्हारे जो मन में आएगा तुम बोलोगे। मेरे ही घर में मेरी माँ जी का अपमान कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं मम्मी जी, इसमें अपमान की क्या बात है, ऐसी छोटी मोटी बातों में किसी का अपमान थोड़ी होता है। तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, चाय पी लेना, ठंडी हो जाएगी। तू कहाँ जा रही है? शीतल प्लीज, अगर पीसी को लगता है मैंने जो कुछ भी किया ठीक नहीं है तो यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। मानो तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों, यहाँ रुकने का क्या मतलब है? मतलब है तुझे क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सब मालूम, कि मैं जानबूझ कर चुकी हाथ दे। राज को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम लोग बार बार मुझसे यही पूछते हो ना कि मैं अपने एक्सीडेंट वाली बात सच सच क्यों नहीं बता देती, लेकिन शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं खुद भी यही चाहती थी कि मुझे कोई मौका मिले और मैं सब कुछ राज को सच सच बता दूं। लेकिन मैं हर बार यही सोचती रही कि मुझे माँ जी से बदला नहीं लेना बल्कि इस घर को संभालना। और अब तो इन्हीं बातों में इतनी देर हो गई है कि शायद अगर मैं सच बोलूं तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। राज भी नहीं? नहीं शी, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं। मैं राज को यकीन दिला कर रही हूं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और अब तो माँ जी ब्लैक मैजिक का चलन चला है, उन्हें लगता है कि उनके काले जादू का असर सचमुच मुझ पर हो रहा है। वो इस भ्रम में रहेंगी और मैं भी यही चाहती हूँ कि उनका ये भ्रम बना रहे। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेंगे। गुंडा देखना ही नहीं चाहती। दीदी तू तो अपनी मौत की बात इतनी कैजुअली कैसे बोल सकती है यार? मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है, आमना सामना किया है, इसलिए अब मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता।
देखो क्रिश, मैंने तुमसे आज तक ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुमसे सीधी तरह बात कर लेनी चाहिए। डैड आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, हर बाप अपनी संतान से कुछ उम्मीदें रखता है, और फिर तुम तो मेरे इकलौते हो। शुरू शुरू में मुझे लगता था ये तुम्हारा बचपना है, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को तुम संभाल लो। तो आपको क्या लगता है, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया? हाँ, अब तक की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। देखो बेटा, मैं रिटायर हो चुका हूं और मैं चाहता हूं तुम अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचो। डैड आप सुबह सुबह लेक्चर देकर मेरा मूड मत खराब कीजिए, और मेरे फ्यूचर के बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, इसीलिए कह रहा हूं। देखो क्रिश, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में पछताने के सिवा तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा ना डैड, मेरे बारे में टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, अच्छी तरह से मालूम है। ये तुम्हारा दुर्भाग्य। क्रिश, आज एक नेक सलाह भी तुम्हें कड़वी दवा जैसे लगे। देखो, मैं तुम्हारा बाप, मेरा जो फर्ज था मैंने बता दिया। क्रिश, तमाम लोगों की बददुआएं लेना, उन्हें हर्ट करना, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना, दिस इज नॉट राइट क्रिश। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। बस बहुत हो गया, आप मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। और मेरा दिमाग तो पहले से खराब था कि आपके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठे। व्हाट द हेल। प्रकाश कितना अच्छा लड़का है ना, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो हमारा बड़ा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो प्रकाश कौन सा पराया है, वो भी तो अपना बेटा ही है। हाँ है तो, लेकिन इस बात का एहसास मुझे जरा देर से हुआ, और इस बीच न जाने में कितनी गलतियां कर बैठा है। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना? कुछ ठीक नहीं हुआ आरती, अभी ठीक करना है। क्या मतलब? आरती, मुझे लगता है कि प्रिया और प्रकाश ने जानबूझकर हमारी जिंदगी में बच्चे को रखा ताकि हम सदमे से उबर सके। अब देखो ना, जब से बच्चा हमारे घर में आया है, उसने हमारे घर में कदम रखा है, हमारे घर से दुख की मनुष्य छाया हमेशा के लिए गायब हो गई। आरती, प्रिया ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, अब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। दरअसल मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। क्या करना है आपको? आरती, मैं प्रिया का कन्यादान करना चाहता हूँ। क्या? भगवान ने हमें 3 बेटियां दी, एक तो हमें छोड़कर चली गई, एक की सगाई टूट गई और ना जाने कितने दुख झेले उसने, और एक की शादी हुई भी तो आधी अधूरी से, बेचारी अपने बाप का आशीर्वाद तक न पा सके। बस यही कारण है आरती कि मैं प्रिया का कन्यादान करना चाहता हूं। इसलिए तो मैंने उस समय भी आपको समझाया था, पर आप कहाँ मानने वाले थे। चलिए आज ही सही, आपको एहसास तो हो गया। क्या प्रिया और प्रकाश इस बात को मान जाएंगे? तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? भैया मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कई एमएनसीज में जॉब के लिए अप्लाई किया पर कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बट भाई, तुमने तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान किया था। हाँ, लेकिन वो भी कहाँ मटेरियलाइज हो रहा है,
इसलिए सोच रहा हूँ कि कहीं जॉब कर ले। ये जॉब के इंतजार में तुम कब तक रुकोगे? तो आखिर कर भी क्या सकता हूँ मैं, ऐसे भी आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तुम एक काम कर सकते हो। क्या? देखो तुम पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। हाँ लेकिन भैया ट्रैवलिंग बिजनेस का मुझे एक्सपीरियंस कहाँ है? कमाल कर रहे हो, MBA तुमने किया है और फिर ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ एक्सपीरियंस तो काम करके होता है ना। तुम एक काम करो, हमारे ट्रैवल ओवरसीज अकाउंट्स संभालो। ठीक है। इसकी फाइल, ठीक है ये फाइल लो। साउथ अफ्रीका से NRIs आ रहे हैं फिक्की के कॉन्फ्रेंस के लिए। उनकी लॉजिंग बोर्डिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंपनी को दिया गया। तुम उन्हें फैक्स करके भेज बता दो कि सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है। और सुनो, अगर इनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो तो उसके बारे में भी मुझसे पूछ लो। ओके। अच्छा सुनो, कम इन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो यंग मैन, कांग्रेचुलेशंस। शिमला होटल हिंदू की लॉबी में आइसक्रीम। तुम खुश हो? अरे तुमने तो दाढ़ी बढ़ा ली। एनीवे नो प्रॉब्लम, कम ऑन सिट डाउन, वेलकम। यार तुम तो यार बहुत मशहूर हो गए हो यार। आज मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो देखी, मैंने सोचा आके तुम्हें कांग्रेचुलेट कर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या पियोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं यार कुछ नहीं। ऐसे नहीं हो सकता, तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आए, कुछ पीना पड़ेगा। आया तो पहली बार हूँ, लेकिन किसी काम की वजह से। किसी काम से? बाहर जाना है, you want to travel abroad? ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर अभिषेक मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूँ। बिजनेस डील? एंड आई एम श्योर यू आर द राइट काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ। हाँ लेकिन ये बिजनेस डील है क्या? अभिषेक मैं दुबई में एक शॉपिंग मॉल खोलना चाहता हूँ, एंड फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन क्रिस इतने बड़े बिजनेस के लिए मैं फाइनेंस कहाँ से लाऊंगा? इन सब चीज की टेंशन तुम मत लो, मैं देख लूंगा। मुझे बस तुम्हारे जैसे एक टैलेंटेड और मोटिवेटेड पार्टनर की जरूरत है। तो अभिषेक मैं यहाँ पे बहुत सारी बुक्स लेके आया, आई होप यू वोंट डिसअपॉइंट मी। क्रिस अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम बुरा मत मानो। क्यों, मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्रिस बात यह है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि हम तीन भाई, और बिजनेस या फैमिली मैटर में मैं अकेला डिसीजन ले नहीं सकता। इसके लिए मुझे अपने बड़े भाई की राय लेनी पड़ेगी। ओके इट्स गुड, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे भाई से मिलना चाहूँगा। व्हाई नॉट? भैया आपको एक दोस्त से मिलाना है, इसीलिए आपको आज यहाँ मिला। वो है कौन? एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है। कुछ समय पहले मुझे एक होटल के लॉबी में मिला, मैं तभी समझ गया कि वो बहुत हार्ड वर्क है। आज वो हमारे साथ काम करना चाहता है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं चाहता था मैं उसे आपसे मिला दूं, ताकि आप ही इसके बारे में कोई फैसला कर लें। हाँ लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं, पिछले 15 मिनट से हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। अनुपम मैंने उसे 10:30 बजे बुलाया और अभी 10:30 बजने में 1 मिनट बाकी। जिस तरह का वो डिसिप्लिन लड़का है ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही वक्त पर आया। हाय एवरीवन, हाय अभिषेक। हाय कुश। भैया ये क्रिश है, क्रिश मेरे बड़े भैया। हेलो। ये हमारे ऑफिस और घर के सारे इंपॉर्टेंट, और ये है मेरा छोटा भाई, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आया है, अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स। ओह हाय, नाइस टू मीट यू। सो जेंटलमैन, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, और मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। क्या? अभिषेक मैं चाहता हूँ कि मैं भैया के सामने खुद ही अपनी बात क्लियर करूँ। गो अहेड, एब्सोल्युटली राइट। देखिए भैया मेरे दुबई में बहुत सारे शोरूम्स चल रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे फादर की मेहनत की वजह से, लेकिन अब उनकी उम्र नहीं रही काम कर रही, तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं एक नए ढंग से शुरुआत करूँ। लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम है।
भैया आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि तीन भाई हैं, लेकिन मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ और जिस तरीके से मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ वो मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं है। मुझे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट पार्टनर की जरूरत है, बल्कि पार्टनर से भी ज्यादा एक फ्रेंड की जरूरत है जो अभिषेक से मिलने के बाद शायद पूरी हो गई। अब बाकी सब आपके ऊपर है, अगर आप हाँ कहें तो ठीक है। तुम अपनी फाइल छोड़कर जाओ, हम सोचकर डिसीजन लेके तुम्हें बता देंगे। ओके, ये रही मेरी फाइल। यू टेक योर ओन स्वीट टाइम, आई डोंट माइंड। सो आई थिंक आई विल बेटर मूव नाउ। ओके बाय एवरीवन, बाय अभिषेक, सी यू। हाँ तो भैया, क्या सोचा आप? लड़का तो अच्छा लगता है। अभिषेक, यू कैन गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। हाय डैड, व्हाट्स हैपनिंग? पेपर पढ़ रहा हूं, चौथी बार, राइट? क्या करूं, टीवी देखना मुझे पसंद नहीं और तुम्हारी मम्मी महीने के 25 दिन शूटिंग के लिए जाती हैं आउटडोर और 5 दिन उनका हॉलीडे ट्रिप में निकलता है। डैड, माय सिंपैथीज आर विद यू। काश आपके पास एक ऐसी गर्लफ्रेंड होती जो आपकी बोरियत को दूर कर सकती। शट अप यू रास्कल। वैसे बात क्या है क्रिश, बहुत खुश नजर आ रहे हो। डैड, डू यू रियली वांट टू नो? यस, व्हाई नॉट। डैड, आपके दुबई वाले कारोबार में मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। जानता हूं, और आज भी उस झटके से मैं बाहर नहीं निकला। ओह डैड, कम आउट ऑफ इट। और उसी सिलसिले में मैं आज एक मीटिंग करके आया हूं। डैड, पूछना नहीं चाहेंगे किससे मीटिंग करके आया हूं? किससे? शुक्ला से, वीरेंद्र शुक्ला, अनुपम शुक्ला, अभिषेक शुक्ला। वो लोग दुबई में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए उनकी हमारे साथ पार्टनरशिप में दिलचस्पी है। डैड, आपको मालूम है अभिषेक शुक्ला कौन है? कौन? रेनू का पति। वही रेनू जिसने मेरे साथ ऐश तो कर ली और अब सती सावित्री बन के बैठी। वही रेनू जिसकी वजह से आपने मेरा 4 लोगों के सामने अपमान किया। वही रेनू जिसकी वजह से मैंने पूर्वी को खो दिया। वही रेनू जिसका अब बुरा वक्त आने वाला है। अभिषेक के जरिए उसकी जिंदगी में घुसकर नरक कर दूंगा मैं उसकी जिंदगी।